In this video, I am going to share my 4 p.m. to 11 p.m. routine, which is my evening to night routine. Hey everyone, this is Preeti here. Welcome to my channel. I hope you all are doing great in your life. So, सबसे पहले मैंने लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा के अच्छी खासी एक्सरसाइज करने के बाद आई टुक शार एंड फिर उसके बाद मैंने अच्छा सा सेटअप बना लिया अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि पढ़ाई के लिए एक अच्छा सा सेटअप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. येस, आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माई स्टडी. सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया HP GK से, क्योंकि HP GK क्वाइट इंटरेस्टिंग मुझे लगती है, तो इसीलिए मैं HP GK से स्टार्ट करती हूँ हमेशा. क्योंकि सबसे पहले आपको एक अच्छे सब्जेक्ट से शुरुआत करनी चाहिए ताकि आपकी जो एक रिटेंशन पावर है वो बढ़ती रहे, चीज़ों को ग्रास्प करने की पावर बढ़ती रहे. तो सबसे पहले मैं एक अच्छा सा सब्जेक्ट ही चूज़ करती हूँ पढ़ाई करने के लिए, ताकि मैं लंबे समय तक पढ़ पाऊँ. ये ना हो कि मैं सबसे पहले कोई बोरिंग सा सब्जेक्ट उठा लूँ और बस आधे एक घंटे के बाद मुझे ऐसा लगे कि बस इनफ इज़ इनफ. नहीं, तो मैं हमेशा एक अच्छा सा सब्जेक्ट उठाती हूँ जिसमें HP GK मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है. तो आज की मैंने शुरुआत HP GK से ही की. और मुझे पिछली वीडियो में किसी ने कहा था कि थोड़ा बहुत वॉइस ओवर कर लीजिए, अदरवाइज़ इट सीम्स वेरी बोरिंग. तो इसलिए मैंने इस वीडियो में वॉइस ओवर देने का प्रयास किया है. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा. तो हाँ, बस HP GK मेरा समाप्त हो ही चुका था, तो उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत ब्रेक ले लिया 10 से 15 मिनट का, और मैंने स्टार्ट किया इंडियन हिस्ट्री, दैट इज़ मॉडर्न हिस्ट्री से मैं स्टार्ट कर रही हूँ. क्योंकि जो हमारा स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें 1857 के बाद का ही हिस्ट्री पूछा जाता है, तो फिर इसीलिए मैंने मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि स्पेक्ट्रम की बुक है आप सभी को पता है, तो उसी से मैंने स्टार्ट किया. यस, मैं इसके ऊपर सबसे पहले नहीं आई थी, मैंने सबसे पहले लूसेंट्स की बुक से अपना हिस्ट्री को कवर किया था ताकि मुझे ईजी रहे बाद में ये वाली बुक पढ़ने के लिए. तो अभी भी मैं इस बुक में काफ़ी डेप्थ में नहीं हूँ, अभी भी मैं सिर्फ समरी ही पढ़ती हूँ इस बुक की, और थोड़े बहुत मैंने नोट्स बना रखे हैं जिससे मैं इन सारी चीज़ों को कवर कर ली. क्योंकि इतना ही पूछा जाता है आपका हर किसी एग्ज़ाम में जो भी स्टेट एग्ज़ाम होता है. हाँ, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का एग्ज़ाम होता है जैसे कि HS, तो इनके लिए काफ़ी डीप स्टडी करनी पड़ती है, लेकिन और जो भी छोटे मोटे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए इतना ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना पड़ता है. तो इसलिए भाई मैं तो इतना डीप नहीं पढ़ रही हूँ अभी, लेकिन हाँ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैं काफ़ी कोशिश करूँगी कि मैं इसको डेप्थ क्रिटिकल स्टडी मैं कर सकूँ इन सारी चीज़ों की. तो आप जैसा कि देख सकते हो कि मैं लूसेंट्स की बुक से ही इसको रिवाइज़ कर रही हूँ. उसके बाद मैंने 30 मिनट्स का ब्रेक ले लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी मैं हिस्ट्री पढ़कर. फिर उसके बाद मैं फिर से पढ़ने बैठ गई थी एंड अभी मैं पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, आई थिंक हिस्ट्री को ही मैं कवर कर रही हूँ. उसके बाद थोड़ा सा एस्थेटिक सा शॉट लेने के लिए मैंने लाइट्स को ऑफ करके सिर्फ लैम्प को जला लिया था, जो कि बहुत ही मुश्किल था यार, अंधेरा था बहुत ज़्यादा, नहीं पढ़ा जाता है इस तरीके से, लेकिन हाँ एक प्यारा सा शॉट लेने के लिए मैंने पढ़ लिया था. उसके बाद हमने किया डिनर, करने के बाद थोड़ी बहुत वॉक की मैंने, थोड़ा अपने पेरेंट्स के साथ गप्पे मारी, गप्पे ही कह सकते हैं आप. हाँ, तो ये सारी चीज़ें मैंने करी और उसके बाद मैं फिर से पढ़ने बैठ गई थी. और इस टाइम पे मैं HP GK ही फिर से पढ़ रही थी, क्योंकि दिन के टाइम पे मैंने और सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए थे. जैसा कि आप सभी को पता है ये इवनिंग टू नाइट रूटीन है, तो यहाँ पे मैंने HP GK एंड हिस्ट्री को ही पढ़ा था. उसके बाद बहुत हो गया था, 11 या 11:30 हो चुके थे, तो उसके बाद फिर मैंने अच्छे से अपने लैपटॉप को खोला एंड थोड़ा बहुत वीडियोज़ को स्क्रॉल किया, ब्लॉगिंग्स जो भी होती है, ब्लॉग्स जो होते हैं वो सारे मैंने देखे थे एंड थोड़ी बहुत मैंने यूट्यूब से वीडियोस देखी थी जो स्टडी रिलेटेड ही थी. तो वो सारी देखने के बाद थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करने के लिए कोई अच्छी सी आप भजन सुन सकते हो रात के समय में, जो भी आपको पसंद है वो आप कर सकते हो, मैं भी कुछ ऐसा ही कर रही थी. तो बस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, तो वीडियो को यार लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर देते हो, कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, जिससे क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन तो मिलती ही है और वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ही कीमती समय में से मैं ये छोटे छोटे क्लिप्स आप सबके लिए निकालती हूँ, राइट. तो बस अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो मैंने लैपटॉप को बंद करके अपना सोने का, विश्राम करने का मेरा समय आ चुका था. तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. थैंक यू, बाय बाय.